बहुचर्चित मानेसर लैंड स्कैम मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। मामले में शामिल मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए, तो वहीं अन्य सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 5 नए आरोपियों को समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। इस मामले में कोर्ट ने 5 नए आरोपियों को समन किया है जी, एडिशनल अक्यूज्ड। तो इसके अंदर उसमें 17-12 की डेट लगाई है, जिनमें 5 अक्यूज्डों को पेश होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए। तो कौन से नए आरोपी हैं 5, उनके क्या नाम? 5 आरोपी हैं, एक तो है राजीव अरोड़ा, डी आर ढिंगड़ा, कुलवंत सिंह लांबा, धारे सिंह और सुरजीत सिंह। तो जो आज चार्ज फ्रेम पर जो ऑर्डर था उस पर क्या रहेगा आगे? अभी तो जो ये जो 17-12 जो डेट फिक्स की है वो 5 आरोपियों को पेश होने के लिए फिक्स की है। उस दिन आके वो बेल करवाएंगे, उन पर दोबारा चार्ज पर बहस होगी। बहस होने के बाद हम लोग यदि करना चाहें तो हम भी उसमें बहस कर सकते हैं जी। तो भी वो जब सारी आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा। तो अभी जो है 5 नए आरोपी जुड़ने से कुल कितने आरोपी इस मामले में हो चुके? 34 आरोपी थे, इसमें 5 और होंगे तो 39 आरोपी हो गए। आपको बता दें कि 5 नए आरोपी राजीव अरोड़ा, डी आर ढिंगरा, सुरजीत सिंह, धारे सिंह और कुलवंत सिंह लांबा हैं। वहीं आरोपी एमएल तायल, जसवंत सिंह और सुदीप ढिल्लो द्वारा दायर की गई डिस्चार्ज की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी फिलहाल मानेसर लैंड स्कैम मामले में चार्ज पर ऑर्डर के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। पंचकुला से उमंग शिवरान, पंजाब केसरी टीवी।